भाई साहब जो मार्केट में है ना, धड़ाम से स्मार्टफोन लगातार लॉन्च होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है वन प्लस क्यों पीछे रहता, मतलब कि वो वन प्लस सेवन नाम सही है इसका, वन प्लस क्यों पीछे रहता। तो वन प्लस ने भी डिसाइड किया कि हम भी स्मार्ट टीवी और एक नया धमाकेदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन हम भी लॉन्च करेंगे। तो 26 सितंबर को जो वन प्लस है वो लॉन्च करने जा रहा है ये स्मार्टफोन वन प्लस 7T और अपनी स्मार्ट टीवी वन प्लस टीवी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में वन प्लस 7T के बारे में कि इसके अंदर क्या ऐसा खास होने वाला है जो हमें वन प्लस 7 और वन प्लस 7 प्रो में नहीं मिला। तो चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा डिज़ाइन। इसके अंदर जो कैमरा है ट्रिपल कैमरा बैक में, रियर में ट्रिपल कैमरा हमें मिलता है जो कि हमें सर्कुलर डिज़ाइन के अंदर दिया गया। और उसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्राइमरी सेंसर, साथ ही में 12 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो लेंस और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये हो गया इसका कैमरा। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे मेन हाईलाइट है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस इतनी कम रखी गई कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं इसके और स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसके अंदर हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। सुपर AMOLED डिस्प्ले वगैरह वही देखने को मिलेगी इसके अंदर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फेस अनलॉक भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और जो इसके अंदर प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिलेगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। 8GB रैम इसके अंदर देखने को मिलेगी। मेटेलिक ब्लू जो है इसका कलर होगा ग्रेडियंट फिनिश के साथ में। और साथ ही में इसके अंदर जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन करेगा एंड्रॉयड 10 के ऊपर जो है ये स्मार्टफोन है पूरा रन करने वाला है। इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी 3080 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और बैटरी के साथ फास्ट चार्जर तो इतना तगड़ा दिया गया है कि भैया ये 60 मिनट में आपका फ़ोन जो है 100% चार्ज हो जाएगा। मतलब कि सुबह उठो और फ़ोन चार्ज लगाओ, आप फ्रेश वगैरह हो, ऑफिस जाने का टाइम हो, इतने तक आपका फ़ोन चार्ज, बहुत अच्छी बात है। और बस यही था इसके स्पेसिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर जो है हमें 960 फ्रेम पर सेकंड के अंदर जो है हम स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके कैमरा से। तो ये इसकी एक और अच्छी बात है। फोन की फोटो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किस तरीके से बीच में इसके जो ट्रिपल कैमरा है वो निकाले गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। प्राइस मैं आपको भूल गया, इस फ़ोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो हो सकती है 37,000 rupees, यानी मतलब इस जो फ्लैगशिप फ़ोन है उनकी प्राइस जो वो नीचे होती जा रही है। हमारे लिए अच्छी बात है, हम फ्लैगशिप फ़ोन ले सकते हैं। वैसे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपका फेवरेट फ्लैगशिप फ़ोन कौन सा है। वैसे मैं यदि मेरे फेवरेट फ्लैगशिप फ़ोन की बात करूँ तो मैं पसंद करता हूँ लेनोवा Z6 Pro को। आप बताइए मेरे को आप कौन सा पसंद करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। और हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम बात करेंगे वन प्लस टीवी के बारे में और लिनोवा Z6 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और मतलब कि तासू फाड़ू है। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।